हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मन नहीं था, और आज मैंने कहा देखते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ तो बनाने की। ब्लॉग कैसे बनाएं, क्या बनाएं, सब सोचना पड़ता है। कभी कभी दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, समझ में नहीं आती हम क्या शूट करें क्या करें, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक ऊपर से मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा। दिखाऊं मैं आपको कहाँ पे खड़ी हूँ मैं? ये देखो मौसम, अंदर से ही दिखा रही हूँ मैं, बाहर से नहीं दिखा रही, अंदर से ही, खिड़की से ही। तो जैसे कि धूप निकली होती है ना, तो बस मन भी खिल जाता है धूप की तरह। तो अब थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे में। मैं नीचे रख दूँ, नीचे दिल रख के मेरा नहीं आएगा, नीचे रख के नहीं आएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो यार, ब्लॉग तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस अभी हम उठे तो मैं काफ़ी सुबह से हैं, मतलब टाइम हो गया है 10:40, पर हमने अभी नाश्ता नहीं किया। राजू चले गए हैं ऑफिस, और राजू मतलब ऐसे तंग नहीं करते मेरे को कि ये करो वो करो ना। मैं सोई पड़ी हूँ, लेटी पड़ी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, फ़ोन देख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मैं अब उठी हूँ, अभी दूध वाला आया था 10 बजे, तो हमने लिया है दूध। दूध लेके अब देखते हैं नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में कुछ भूख ही नहीं होती, अंदर पड़े पड़े लेटे लेटे भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। कल तो फिर अब देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं। बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं, मेरे की जैसे ही खाने पीने में बच्चे भी ऐसे ही हैं। बस ये है कि दिया है थोड़ा सा, दिया अपना जुगाड़ खुद कर लेती है, वो भी दिया अपना जुगाड़ खुद कर लेती है। रखा है दूध, उसको मैं रखूंगी गैस पे, और इसमें है आटा। इसमें आटा यूं है कि मैंने इसी में बना दिया था, इसमें इसलिए बना दिया था कि वो जो परात होती है ना, आटा बनाते हैं, उसके अंदर वो था साग, साग रखा था कटा हुआ, तो फिर मैंने इसलिए इसमें बना दिया था। तो चलो जी करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो बनाते हैं हम नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बनाऊँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या बनाते हैं अभी नाश्ते में हम। तुमने चाय लेनी है? तो गाइस अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय हम ऐसे बनाते हैं, इधर रख देती हूँ दूध गरम, गैस मैंने पहले जला दी, और अब हम बना रहे हैं चाय। दूध में पानी पहले ही होता है यहाँ पे। चलो जी ये हमारी हो गई चाय में चीनी। मेरे को है ना ये डब्बे रखने के लिए स्टैंड लेके आना पड़ेगा। आज मोल चलूंगी, मॉल चलो खा ले, उधर रखा ले जो। हाँ हाँ खा ले। बीच ये भी हम इसमें जरा सा भी लगा नहीं रहने देंगे, सारा निचोड़ देंगे अंदर चाय में पानी के साथ। ये आपने देख ही लिया होगा, इसमें छोटी कटोरियां। हाँ तो ये मैंने सच नहीं दिखाया मम्मा, नहीं दिखाया नहीं। अच्छा ये हमारा आया था वो कोरियर, तेल की बोतल, ये देखो ग्लास। ये मैंने मीशो से शॉपिंग की थी, बोतल मंगवाई है, ये तेल की रिफाइंड, एक रिफाइंड की बोतल है, रिफाइंड है वो तेल, और है। एक तेल है, ये ऐसे बंद हो जाती है और ये ऐसे ही तेल निकल जाता है। तेल बाहर क्यों आ रहा है इसके इतना, हमको नहीं यहाँ से ऐसे डालो, और हमें पता भी लगता रहता है। तो मैं साफ करती हूँ, ये तेल बाहर क्यों है, लीक कर दिया गया ये, होना नहीं चाहिए ना बाहर ऐसे, ये क्या पता सी हो। इसमें तो कुछ नहीं लगा, ये ऐसे उधर हमारी चाय ना निकल जाएगी। मैं देख रहा हूँ बार बार,
जो ये है बोतल है, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और एक चाय पत्ती की वो डब्बे, इनके लिए मुझे स्टैंड लेके आना है। तो मैं सोच रही हूँ कोई कॉर्नर या कुछ ले आऊँ, जो इधर रखूँ या फिर इधर रखूँ। तो स्टील का मैंने मीशो से मंगवाया था, वो बहुत छोटा था, तो वो मैंने चेंज कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया, चेंज नहीं किया, रिटर्न कर दिया। और अब मैं देखूंगी क्या करूं, मेरे घर से बाहर निकलने का कहीं मन नहीं करता। और मम्मा फिर आप बात करें, मॉल चलते हैं। मेरे घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर धूप निकली है फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर धूप ना निकली हो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मेरा नहीं मन करता। तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे छोटी वाली गैस पे, इतनी देर ये तो उबलने वाली है, इसको इधर कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे हो जाएगी। और इधर हम बनाते हैं नाश्ता की करते हैं तैयार, रोटी मैगी, रोटी बनाते हैं हम। चाय निकल गई, और चाय निकल गई, और फटा हुआ हमने कर दिया अंदर, ताकि हमारे सब्सक्राइबर हमारा फटा हुआ ना देख, कपड़ा ना देख पाए जो किचन में होते हैं। हम बड़े साफ सफाई वाले बंदे हैं, और इसलिए हम सारे काम सफाई से करते सफाई से करते हैं। इसमें जो है आटा वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे साफ सफाई से ऐसे, इसको हम डालेंगे प्लेट में साफ सफाई से। सबको सारे काम साफ सफाई से, आप देखना दोस्तों, हम सारे काम करेंगे साफ सफाई से। हाय, मैं तो कॉफी देख के कॉफी पीने का मन कर गया, बनाते हैं चलो। अब तो चाय बना ली, तो अब हम सूखा आटा निकालते हैं साफ सफाई से। ओके। और इधर से हम नमक लेते हैं साफ सफाई, साफ सफाई से निकल गया है, साफ 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 के चक्कर में हमारा नहीं, देखना मत, साफ है सब कुछ, गंदा हो गया या हाँ, बस इतना देखो, साफ है ये, साफ साफ के चक्कर में हमारा सब कुछ गंदा हो गया, बस यहाँ को नहीं देखना, बाकी सारा साफ है। यहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं, वो साफ है, वो उसकी चिंता मत करो आप, वो साफ है, साफ है, वो साफ है, वो साफ है। तो हम बनाते हैं साफ सफाई से रोटी, ये लिया हमने ऐसे रोल किया और इसको ऐसे किया। चलो उठा देते हैं यहाँ पर, हम बनाएंगे नमक डाल, हो गया है ढाई बज गए हैं, ढाई बज गए हैं, और सुबह से काम लगे हुए हैं लगातार, एक मिनट भी मैं बैठी नहीं हूँ। और बोलने को क्या है कि झाड़ू पोछा करना है, बस ये करना है वो करना है, और काम क्या हुआ, झाड़ू पोछा, डस्टिंग बर्तन, और फिर एक स्लॉट कपड़े धुला है, और सूखेगा तो है नहीं, वो धुला है, और दाल बनी है, दाल हमारी और चावल अभी बन रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आप, ये हमारे चावल बन रहे हैं, ये हमारी दाल बन चुकी है, ढक्कन मैंने इसको है ना कढ़ाई का डाला है, अभी फिर मैंने बर्तन साफ किए हैं, कुकर में दाल बनाई थी, कुकर साफ किया, और एक ही ये लड़की देख लो, नहीं जाऊंगा, इतने दिनों के बाद नहीं बनाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं कह रही हूँ चल तेरे बाल बनाती हूँ, है नहीं फटते, ऐसे क्यों बोल रही है मम्मा को, ऐसे बोलती है चिल्ला चिल्ला के, हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलती है, और तो दरवाजा अभी तक नहीं ठीक हुआ,
उसको है ना खांसी हो रखी है, खांसी उसको खांसी हो रखी है, इसकी खांसी है ना। ये देखो कुछ भी खाती है ऊपर पानी पीती है लड़की, और इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, गला फाड़ फाड़ के है, तो फिर तो वो तो होएगा ही ना दर्द। दर्द हो रहा दर्द नहीं हो रहा मेरी मटकी को, दर्द नहीं हो रहा मेरा वाड़ा पाड़ा कुकड़ा। मैंने बोला ना चलो बाल बनाऊंगी, बनवाती खुद नहीं है, और सारा ब्लेम फिर मम्मी पे आता है, आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बच्चे ना बस, मैं सोच रही हूँ ये फोन इधर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मेरे को चावलों से पानी निकालना है, मुझे पानी निकलने चावल ही ठीक लगते हैं, और मुझे चावल नहीं अच्छे लगते दूसरे, जिसका पानी निकला हो वही ठीक लगते। ये पीछे बेटा ना कर, गिल्ला है। Hey y'all, come look at this. Please sabakara sarakabar sabarakarai sarak sarakab. Are you comedy me? ये देखो सिर्फ थोड़े से कि मैंने कहा इन्होंने खाने पता नहीं खाएंगे, उनके लिए मुझे है ना स्टैंड लेके आना। तो गाइस बच्चे चले गए हैं स्कूल, सॉरी ट्यूशन, ट्यूशन चले गए हैं बच्चे, घर में छा गया है सन्नाटा एकदम, मैं अकेली और मेरा घर। अब मैं जाऊंगी देखूंगी ऊपर, ऊपर की सफाई है ना कई दिनों से हुई नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहा है ऊपर, कपड़े भी पड़े हैं, जो धुले हुए कपड़े होते हैं जो सूखते नहीं है ना, थोड़े थोड़े सिले सिले लगते हैं, मैं धूप की वेट में ऊपर ही छोड़ देती हूँ। तो चलो जी अब क्या करें, अब कोई काम नहीं है, काम तो है बट करना नहीं है, करना इसलिए नहीं है कि ऊपर की सफाई है, पर अब मन नहीं है करने का, मैं ना थक गई हूँ, ये चीज़ मेरी दर्द करने लगी ये चीज़, और एक जैसे मैं कुछ खा नहीं रही हूँ तो मेरा बीपी बहुत लो होता है। आज भी मैंने जैसे थोड़ा सा मैंने सुबह नाश्ता करके मेरा ना चाय पी ना, मैंने चाय पी के मेरा बीपी लो हो गया मीठे से, मैंने है ना जैसे दिया कर रही थी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा तू काजू खा ले ब्रेड, वो कह रहा था कि मैं, मुन्नु कह रहा सैंडविच बनाऊंगा ब्रेड मत खा तो फिर एक दो काजू खाया मैंने, काजू खा के फिर मैंने पोचा लगाया। तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है, तो चलो जी इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।